जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह पाक, तेरा यासरा है, तू ही मुश्किल कुशा है और तू ही हर मुश्किल परेशानी से निकालेगा। बेटा, अब तक हमारे एक्सेल के 4 लेक्चर हो चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सैलरी शीट वाला, कि आज हमने एमएस एक्सेल में सैलरी शीट बनाना सीखनी है, कि एमएस एक्सेल के अंदर जो सैलरी शीट होती है वो किस तरह बनाई जाती है। मैं उसके लिए एक नई फाइल ले लेता हूँ, कंट्रोल एन करता हूँ, ये मेरे पास एक नई फाइल बन गई है। अब नई फाइल बनने के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी फैक्ट्री की सैलरी शीट बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको एक फैक्ट्री जो है हर एक वर्कर को एक आईडी मेंशन करती है, ठीक है। और अगर आप किसी स्कूल की या किसी मतलब किसी और किसी डिपार्टमेंट की या किसी इंस्टीट्यूट की सैलरी शीट बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको एक रोल नंबर या आईडी या एक कार्ड मतलब कि आपको दिया जाता है। तो सबसे पहले क्या आता है बेटा हमारे पास, यहाँ पे हम आईडी मेंशन करते हैं, जैसे आईडी हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे आता है कि उसका नेम, उस बंदे का नेम क्या है, और नेम के बाद आता है उसका प्रोफेशन या जॉब टाइटल कह लो या कुछ भी कह लो, प्रोफेशन आ गया। और अब उसके अलावा क्या आता है बेटा यहाँ पे उसकी, अगर मतलब कि अगर वो क्या है कि यहाँ पे ये 3-4 चीज़ें मेंशन होती हैं। अगर एड्रेस लिखना है, एड्रेस लिख लो, मोबाइल नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर लिख लो, और उसके अलावा कोई और निश मतलब कि जो शनाख्ती की अलामत होती है वो मेंशन करना, तो वो कर लो। लेकिन मेरे ख्याल से इनकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आईडी, नेम और प्रोफेशन, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे हम लिखेंगे उसकी बेसिक सैलरी। अगर हम गवर्नमेंट वर्कर हैं तो हमारे पास सबसे पहले आती है बेसिक सैलरी, ठीक है बेटा। तो बेसिक सैलरी होगी, सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं हर एक शीट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। ये मैंने और साइज़ बड़ा कर लिया जी। उसके बाद मैंने इनको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से इनको क्या कर दिया, बॉर्डर्स पे क्लिक किया, और यहाँ से ऑल बॉर्डर्स मैंने अप्लाई कर दिए, बात ख़त्म हो गई। उसके बाद फर्स्ट मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, इसको मैंने बोल्ड कर लिया जी। अब सबसे पहले यहाँ पे आ गया क्या, बेसिक सैलरी। जब अगर हम गवर्नमेंट वर्कर हैं या अगर हम टीचर हैं या उसके अलावा कोई मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में हैं या कोई भी हम जॉब कर रहे हैं, तो बेटा वहाँ पे क्या होता है, आपको बेसिक सैलरी आपकी बहुत थोड़ी होती है, लेकिन उसके अलावा आपको अलाउंस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। जैसे कि मेडिकल अलाउंस मिल गया, और उसके अलावा ट्रैफिक अलाउंस मिल गया, मोबाइल अलाउंस मिल गया, इंश्योरेंस मतलब और भी मतलब रेंट मतलब हाउस अलाउंस मिल गया, रेंट अलाउंस जिसको बोलते हैं। तो इस तरह के काफ़ी अलाउंस मिला के आपकी टोटल सैलरी है वो काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। तो हम सीखेंगे कि अलाउंस किस तरह निकालते हैं कि सैलरी में से। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सबसे पहले लिखता हूँ कि मेडिकल, ठीक है। अलाउंस में मेरा अलाउंस स्पेलिंग ज़रा गलत है, इग्नोर कीजिएगा। उसके बाद क्या हो गया, हमारे पास हाउस। उसके बाद हमारे पास क्या हो गया जी, यहाँ पे मोबाइल। और उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, मोबाइल हो गया, मेडिकल हो गया, हाउस हो गया, मोबाइल हो गया, और उसके अलावा क्या है, ट्रैफिक या ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये हो गया। और उसके अलावा हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे अगर कोई और अलाउंस ले लें, एक्सीडेंटल होता है मेरे ख्याल से एक और अलाउंस, शायद जो गवर्नमेंट वर्कर्स हैं उनको ज़्यादा पता होगा कि बेटा कौन सा और अलाउंस होता है। मैं तो यार गवर्नमेंट वर्कर तो नहीं है इसलिए मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ अलाउंस जो है वो मैंने ऐड किए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक बंदे की आईडी डालता हूँ, आईडी मैंने लिखी GCC- उसके बाद F20 और डैश मैंने लिखा GS1, ये मैंने 01 सॉरी एंटर कर दिया। ये मेरी पहली आईडी एक वर्कर में। उस बाद मैंने यहाँ से इनको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से इनको सेलेक्ट किया, ये मैंने कोई 10 बंदों की आईडी बना ली, ठीक है। अब इन पे यहाँ पर नेम मेंशन करता हूँ, जैसे कि आसिफ है, उसके बाद अहमद है, उसके बाद क्या है जी आदिल है, और उसके बाद क्या है जी हमारे पास हमीद है, और उसके बाद क्या है जी काशिफ है, और उसके अलावा क्या है माजिद है, मतलब मैं कुछ बंदों के नाम मेंशन कर रहा हूँ जी, हफीज़ है और हमज़ा है जी, और उसके बाद हामिद है और माज है, और बस हो गए नाम। अब प्रोफेशन, प्रोफेशन में क्या होता है कि कोई बंदा बेटा ऑपरेटर है, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है, कोई स्लीपर है, और उसके अलावा कोई गार्ड है, कोई इसको मतलब उसके अलावा बहुत से काम होते हैं। तो यहाँ पे हर बंदे का हम प्रोफेशन मेंशन करेंगे, जैसे कि कुछ बंदे क्या है मशीन ऑपरेटर है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ऑपरेटर हो गया, और उसके अलावा क्या है, ये हमारे पास स्लीपर हो गया,
और ये हमारे पास गार्डियन हो गया। और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्या ऑप्शन आ गई जी, गार्डियंस के स्पेलिंग मेरे ज़रा गलत हैं, मैं F2 करके इनको गार्डियन पे यहाँ पे क्लिक करके इनटू एंटर कर लेता हूँ। ठीक है, गार्डियन हो गया, उस पर गार्ड हो गया। और हमारे पास क्या ऑप्शन आती है यहाँ पे जी, ये हमारे पास जनरल मैनेजर हो गया, इसको मैं GM कर लेता हूँ। और ये हमारे पास मैनेजर हो गया, इसको मैं मैनेजर ही कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास क्या है, ये भी ऑपरेटर है। और ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, हेल्पर है जी। और उसके अलावा ये क्या है, मशीन ऑपरेटर मैं लिख लेता हूँ इसको। और ये भी हमारे पास क्या है, हेल्पर या वेंडर लिख लेते हैं इसको, या इलेक्ट्रिशियन लिख लेते हैं, यार वेंडर लिख लेता हूँ वो ज़्यादा बेस्ट है, मेरे पास ज़रा इलेक्ट्रिशियन की स्पेलिंग मुझे नहीं आ रही थी इसलिए। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या है, हर एक की बेसिक सैलरी होती है बहुत डिफरेंट होती है। जैसे कि इसकी सैलरी है जी 12,500 रुपये, और इसकी सैलरी है जी 8,600 रुपये, और इसके अलावा इसकी सैलरी है जी हमारे पास 8,900 रुपये, और इसकी सैलरी है हमारे पास 6,500। ये लो जी 6,850 हो गई। GM की में जो है कुछ ज़्यादा होती है, हम इसको 30 कर लेते हैं या 28,500 कर लेते हैं। ठीक है, और मैनेजर है वो ज़रा बड़ा होता है, तो हम इसकी मैनेज कर लेते हैं कि ये है जी 34,580, ये इसकी सैलरी होगी। ऑपरेटर जो है उसकी सैलरी हम डाल देते हैं कि 12,050 रुपये है, और जो हेल्पर है उसकी हम डाल देते हैं कि वो है 11,300 रुपये पे है जी। और हमारे पास जो मशीन ऑपरेटर है वो 12,500 रुपये ही था हमारे पास, और जो वेंडर है उसकी सैलरी 14,800 रुपये है। ठीक है, ये हमारे पास सैलरी आ गई। जाहिर बात है मैंने आपको बताया था कि अगर हमने वैल्यू में इस तरह की वो एडिटिंग करनी हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे जर्नल पर, और यहाँ पर इनको क्या बताना पड़ेगा, नंबर या क्या बना, नंबर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो 0.00 खुद ही आ गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे आना सिंबल्स पे, सिंबल्स पे क्लिक करने के बाद मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में आना है, क्योंकि मुझे RS रुपीज़ में चाहिए। तो अकाउंटिंग उसके बाद आता हूँ यहाँ पे और क्लिक करता हूँ RS की सीरीज़ में आता हूँ, तो RS की सीरीज़ मेरे पास यहाँ पर कहीं पर आएगी RS। ये मैं देखता हूँ जी, यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको नज़र आ रही हैं, RS किधर गया मेरी भाई, RS की ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे मुझे अभी तक नज़र नहीं आ रही। अच्छा, यहाँ ये RS नहीं, ये आ गया जी RS, ये इस पर क्लिक किया पंजाबी RS पंजाबी पाकिस्तान पे, और यहाँ पे क्लिक किया ओके, तो ये देखो सबके साथ RS आ गया। ठीक है, अब मेडिकल अलाउंस किस तरह निकालते हैं, एक बात याद रखना बेटा कि जितने भी वर्कर होते हैं हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, हर एक को जो अलाउंस मिलता है, जितना भी अलाउंस मिल रहा होता है वो डिपेंड कर रहा होता है उसकी सैलरी के ऊपर। जितनी उसकी सैलरी होती है उस सैलरी का 3%, 5%, 8%, 10% जो है उसको अलाउंस मिल रहा होता है। तो अलाउंस निकालने का तरीका क्या है, इज इक्वल टू लिखते हैं और इसके बाद इस पर क्लिक करते हैं और साथ में करते हैं मल्टीप्लाई कितने परसेंट पे, हम इसको कर देते हैं कि हमने 3% पे देना है इसको, ये हमने परसेंटेज का साइन लगाया और कर दिया इंटर। तो ये देखिए 375 रुपये क्या है, इसको मेडिकल अलाउंस मिलेगा, क्योंकि मैंने इसको कितना परसेंट दिया जी, 3% दिया है। अब हाउस अलाउंस ज़्यादा ज़्यादा होता है, मैं इक्वल टू क्लिक करता हूँ और उसके बाद कहाँ पर क्लिक करना है मैंने, यहाँ पर इस सैलरी पर। ठीक है, ये बात याद रखना बेटा, सॉरी, हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये जैसे मैंने यहाँ पे बेसिक सैलरी पे क्लिक किया, उसके बाद मुझे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई का साइन ये वाला है, और इसको मैं कह देता हूँ कि 8% जो है ये लेता है हमारे पास क्या, हाउस अलाउंस। उस पर क्लिक किया तो 1,000 रुपये उसका अलाउंस आ गया हाउस का। उसके बाद मोबाइल अलाउंस किस तरह निकालते हैं, वही सेम वाला मेथड इज इक्वल टू, और यहाँ पर क्लिक करो और कितने परसेंट मल्टीप्लाई का साइन हम करते हैं, ये हम देते हैं जी 4.5% दे दिया हमने। ठीक है, और ये मैंने इंटर किया तो ये इसका जो है हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब इसको थोड़ा सा प्लस कर लेता हूँ ताकि आपको वाजह तौर पे ये नज़र आ जाए। ठीक है बेटा, ये लो जी। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बेटा ऑप्शन आती है कौन सी जी, अगली ऑप्शन हमारे पास क्या आएगी, हमें यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ज़ाहिर बात है हम वही उसमें से निकालते हैं इज इक्वल टू, और उसके अलावा हमारे पास कौन सी है, यहाँ पे है जी बेसिक सैलरी, इस पर क्लिक किया और साथ में मल्टीप्लाई किया, कितने परसेंट दे दें इसको, 5.5% दे देते हैं जी, हमने 5.5% दे देते हैं, ये मैंने क्लिक किया और मैंने इंटर कर दिया। ये लें जी, ये आ गई इनकी सैलरी यहाँ पे मतलब। ठीक है, और अब उसके अलावा यहाँ पे आती है हमारी टोटल सैलरी बेटा,
टोटल सैलरी निकालने का मैंने आपको सिंपल सा आंसर बताया। यहाँ पे ऑटो सम पे क्लिक करो और ऑटो सम पे देखें क्लिक किया जैसे ये सारी हमारी सिलेक्ट उनको जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको क्या करेगा बेटा ये सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैं इंटर करूँगा ये इसने ऑटो 15,125 रुपये है एक बंदे की सैलरी। यहाँ से मैंने इनको ड्रैग किया, ये सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर इनको सबको नीचे तक अप्लाई कर दिया। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया और ये मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, आर एस तो आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है इसलिए यहाँ पे कोई भी हमारे पास नहीं निकलेगा। ठीक है, और अब उसके अलावा यहाँ पे कुछ और सैलरी शीट मतलब बेसिक काम तो होता है इतना सही, लेकिन अब बाज़ अवकात क्या होते हैं कुछ प्राइवेट कंपनी सेक्टर्स क्या होती हैं कि आपकी सैलरी में से आपको पहले ही अपनी फैक्ट्री में कुछ लोगों को वो एडवांस दे देती हैं। एडवांस देने से क्या होता है कि उनको वो बाद में अपनी सैलरी का 3% या 4% जो है उस सैलरी में से कटवा रहे होते हैं अपने एडवांस का। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी का वर्कर हूँ, मुझे किसी की शादी करनी है और मुझे अपनी शादी करनी है, मुझे कोई लाख रुपए चाहिए, मैं कंपनी से रिक्वेस्ट करता हूँ काइंडली मुझे लाख रुपये दे दें, मेरी कंपनी मुझे लाख रुपये लोन दे देती है। उस पर क्या करता हूँ कि मैं हर अपनी सैलरी में से 3% या 4% या 5% उसको कटवा रहा होता हूँ। जैसे मैं आप लिखता हूँ लोन के मैंने वो बना लिया कॉलम और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कितने परसेंट मैंने ले लिया, कितने पैसे ले लिया मैंने, ये मैंने लाख रुपए ले लिया। ठीक है, ये लाख आ गए थे मेरे पास। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ से इसमें से वो कटौती करनी है, जिससे हम कहते हैं कि कह सकते हैं यहाँ पे टोटल सैलरी में से हमने कितने परसेंट जो है लोन माइनस करवाना है। हमने 3% लगाना है तो हमें यहाँ पर अगर कोई हेडिंग बनाए तो वो किस तरह की हेडिंग बनेगी, हम रिमेनिंग लगा देते हैं यहाँ पर। रिमेनिंग का मतलब क्या होगा कि हम यहाँ पे जो लोन है, सॉरी वो तो हम यहाँ पे आना चाहिए ना रिमेनिंग, तो हम यहाँ पे कर देंगे कितने परसेंट, मतलब कि हम इसको कटिंग की फॉर्म में ले लेते हैं। यार मेरे पास अगर कोई असला वर्ड नहीं मिल रहा जो मैं इसके लिए इस्तेमाल करूँ, या ठीक है मैं यहाँ पे ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ यार, क्योंकि यहाँ पे हेडिंग में कोई अच्छा वर्ड होता है मेरे से इस टाइम दिमाग में नहीं आ रहा कोई वर्ड ऐसा जो मैं इस्तेमाल कर सकूँ, इसलिए मैं क्या करूँगा इज इक्वल टू और मेरे पास ये टोटल सैलरी है, इसके बाद यहाँ पे क्लिक करूँगा ये मेरी जो टोटल सैलरी बन रही है इसका मैंने कितने परसेंट देना है उनको, मैं इनको देता हूँ 3%। ठीक है, अगर मैं 4% या 5-10% दे देता हूँ, यार 10% काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा लेकिन मैं मेंशन करता हूँ, ये लो जी 1,512 रुपये उनको मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर रिमेनिंग हम लिखेंगे रिमेनिंग सैलरी, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे मेंशन। अब यहाँ पे इज इक्वल टू पे क्लिक किया हम यहाँ से लिखेंगे ये वाली टोटल सैलरी और करेंगे माइनस, और माइनस करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे ये वाली और करेंगे ओके, तो 13,612 रुपये जो है उस बंदे को अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास हर माह ये लोन में से इतने पैसे माइनस होने चाहिए, तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू और इज इक्वल टू करने के बाद हम करेंगे लोन और लोन के बाद करेंगे माइनस, और माइनस करने के बाद हम इस पर क्लिक करते रहेंगे तो हमेशा हर टाइम हमेशा ये देखिए हमारे पास वैल्यू में चेंज आता जाएगा। मतलब हमें हर फार्मूले में ये इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे हमने इतनी वैल्यू अप्लाई की, यहाँ पे हम इसको थोड़ा ड्रैग कर लेंगे तो हर एक सेल के ऊपर ये ऑटोमेटिकली अप्लाई होता जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर इसको ड्रैग करता हूँ, ये मैंने क्लिक किया और ये मैंने ड्रैग कर दिया और ये मैंने यहाँ से सॉरी पहले मुझे इसको दोनों को ड्रैग करना पड़ेगा बेटा, मैंने दोनों को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने में आता हूँ यहाँ पे और ये मैंने किया ड्रैग, ये तो हो गया यहाँ तक ड्रैग। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे मैं देखता हूँ जैसे कि ये एक बंदे की है, मैं यहाँ से इसको ड्रैग करता हूँ तो ये देखते हैं जी, ये देखो हर दफ़ा क्या हो रहा है, चेंज आ रहा कि नहीं आ रहा, देखो हर दफ़ा हर बंदे की वैल्यू में मतलब है कि वो फ़र्क आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह बेटा हम अपने लोन जो है उनको भी अप्लाई कर रहे होते हैं। और उसके अलावा क्या है, अगर कुछ लोग बंदे जो होते हैं फैक्ट्री में ओवर टाइम लगा रहे होते हैं, कि ओवर टाइम के उनको पैसे किस तरह मिलते हैं, फॉर एग्जांपल ओवर टाइम निकालना हो तो ओवर टाइम निकालने का मकसद क्या, जैसे हम यहाँ लिखते हैं ओवर टाइम लिखा और किया इंटर, इंटर करने के बाद हमने क्या करना है बेटा, यहाँ पे सबसे पहले बताना पड़ेगा कि ओवर टाइम कितना लगाया है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, पूरे को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या मेंशन करना है टाइम, और टाइम करने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ जैसे एक बंदे ने काम किया था 4 घंटे, ठीक है 4 घंटे मेरे सही मुझे मेंशन नहीं हुए, ये हो गया। ठीक है, उसमें इसने 4 घंटे काम किया, इसने मतलब 12 घंटे काम किया है और ये हो गया, इसने हमारे पास किया 25 घंटे और ये हमारे पास हो गया यहाँ पे, और सॉरी 25 तो नहीं होते इसलिए 24 ने एक बना दिया उसको, तो हम इसको 24 कर लेते हैं। ठीक है, हाँ
ये इंटर कर दिया, ये लो जी 12 घंटे हो गए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है 24 की फॉर्म में नहीं आ रहा, मतलब मैं इसको टाइम की बजाय जनरल कर लेता हूँ, वो ज़्यादा बेटर होगा। मैं जनरल पे क्लिक किया और अब इसको कर दिया यहाँ से क्लियर, सॉरी कंट्रोल जी किया, और मैंने इन सबको करना है बेटा क्या, सॉरी ये मैंने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद ये मैंने कर दिया यहाँ से डिलीट। ये मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, एक बंदे ने काम किया जी 60 घंटे, उसके बाद एक बंदे ने काम किया 20 घंटे, एक बंदे ने 25 घंटे, एक बंदे ने किया इतने घंटे, और इसी बंदे ने किया इतने घंटे। ये लो जी अब इनका ओवर टाइम निकालना, पहले हमारे पास आता है पर डे ओवर टाइम कितना बन रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो टोटल सैलरी है वो हमारे पास कौन सी है जी, वो हमारे पास है जी यहाँ पे जो लोन काटने के बाद सैलरी आती है वो हमारे पास ये वाली बनती है, ऐसे ही है। तो हम यहाँ पे सॉरी ये वाली सैलरी बनती है, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं इज़ इक्वल टू करने के बाद रिमेनिंग सैलरी पे क्लिक करेंगे, और हमने ओवर टाइम, ज़ाहिर बात है देखो ना एक माह में पूरे 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन में से हम क्या निकाल लें, संडे भी शामिल होते हैं, तो हम करते हैं इसको 30 पे डिवाइड करते हैं, डिवाइड 30 पे क्लिक किया और कर दिया इंटर। तो ये देखें जी हमारे पास 453.75 रुपये पर डे के हिसाब से हमें वो बंदा पड़ेगा, ठीक है। तो अब उसके अलावा क्या है हमारे पास, अगर हमने पर आवर की भी निकाल ली तो हम यहाँ पर कहते हैं पर आवर्स पे क्लिक करते हैं और इज़ इक्वल टू पे क्लिक करते हैं, और पर डे वाली वैल्यू जो हमारे पास है उसको हम डिवाइड करते हैं 8 आवर, मतलब 8 घंटे ड्यूटी होती है तो 8 पे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास 56 रुपये पर घंटे के हिसाब से वो बंदा हमें पड़ रहा है। तो अब इसके अलावा क्या है, तो ज़ाहिर बात है अगर इन्हें मतलब टोटल हम यहाँ पे करते हैं कि ओवर टाइम की जो मतलब सैलरी है वो कितने पैसे बनते हैं, मैं इसको हेडिंग बना लेता हूँ कैश ओवर टाइम, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, अब मुझे क्या करना है इज़ इक्वल टू करने के बाद मुझे कहाँ पे क्लिक करना है बेटा ओवर टाइम पे, और साथ में मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, पर आवर के साथ, और ये मैंने क्लिक किया एंटर, तो ये लो जी ये भी इसके अंदर ऐड हो गया। और उसके बाद मैं यहाँ इनको सब बताऊँ, ये लो ये आ गया इनका मेंशन। अब मैंने यहाँ पे करना ग्रैंड टोटल, मतलब ग्रैंड टोटल में क्या होगा, मेरा जो ओवर टाइम है और जो मेरी रिमेनिंग चल रही है ये दोनों जाहिर बात सिंपल से ऐड हो जाएंगी। इज इक्वल टू का बटन दबाया, यहाँ पे क्लिक किया और साथ में प्लस का बटन दबाया, और यहाँ पे रिमेनिंग वहाँ पे क्लिक किया और ये कर दिया एंटर। तो ये लो जी दोबारा उस बंदे की 17,015.63 रुपये उसकी सैलरी दोबारा से बन गई है, क्लियर हो गया बेटा। तो ये एक आसान सा मेथड था सैलरी शीट बनाने का, ये मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखा दिया, ठीक है। तो ये देखें ये सारा आपके पास सामने मौजूद है। तो अब इसके अंदर आपको यहाँ पर कलर कम्बिनेशन करनी है, या अगर आपने यहाँ पर मतलब वो कुछ रूल जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में रूल थे, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आता हूँ, करता हूँ हाईलाइट, और मैं बताता हूँ मुझे वो वाली वैल्यू मतलब वो वाले बंदे की, मुझे उस बंदे का नाम बताओ जिस बंदे की सैलरी कितने से ज़्यादा है, 20,715 से ज़्यादा है, हाँ ठीक है मैं इतना मेंशन कर दूँ, मतलब अगर जिस बंदे की सैलरी 20,715 से ज़्यादा है आपने उस बंदे को कर देना है कि वो क्या है हमारे पास यहाँ पे रेड में आता है, ठीक है। मैं करता हूँ ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कितने बंदे हैं हमारे पास, अभी तक कोई भी नहीं है हमारे पास, सॉरी क्योंकि 20,000 से कोई भी नहीं है यहाँ पे गया, तो हम दोबारा इसको सेलेक्ट करते हैं, थोड़ी वैल्यू कर लेते हैं यार, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं, ग्रेटर देन में क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हम 20,500 की बजाय कर लेते हैं यहाँ पे 15,500, और क्लिक किया ओके, और ओके करने के बाद सॉरी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, और ग्रेटर देन क्यों भाई 15,500, ठीक है हाँ ठीक है। तो अभी तक सिर्फ दो वैल्यू जो 15,000 से ज़्यादा है, मैं इसको 10,000 कर लेता हूँ, 10,500, तो ये ठीक है कि 11,000 कर लें, 11,500 नहीं ठीक है, 11,150 है जी, ये हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। तो मतलब जो इससे फॉर्मेट सेल डेट आर ग्रेटर देन वो वाली उन वाली वैल्यू को क्या कहते हैं कि कलर कर दो, सेल फॉर्मेट कर दो वो वाली वैल्यू जिनकी जिनके अंदर इससे बड़ी वैल्यूज़ हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ 20 और करता हूँ 500, तो यहाँ पे देखो कि सिर्फ दो वैल्यूज़ हैं जो 20 से ज़्यादा बड़ी हैं। यहाँ पे क्लिक किया, पहला फार्मूला अप्लाई हो गया, उसके बाद दोबारा इनको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद आता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, ग्रेटर लेस देन पे आता हूँ, तो यहाँ पे कहता हूँ लेस देन, मुझे उन बंदों की वैल्यू आपने बतानी है जिन बंदों की वैल्यू कितनी है 10,500 से कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, तो मैं इसको रेड नहीं करना, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे ग्रीन येलो या ग्रीन येलो कर लेता हूँ, ठीक है। तो 10,500 पे ओके किया,
तो यहाँ पे देखते हैं, देखो रूल सब सॉरी सबके ऊपर अप्लाई हो गया, नहीं सबके ऊपर अप्लाई नहीं करता था हमने। हाँ अब यहाँ पे आते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उसके ऊपर एक रूल अप्लाई हो गया। उसके ऊपर यहाँ पे इस मेडिकल अलाउंस पे क्लिक किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आओ, यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू और इक्वल टू के बाद बिटवीन के ऑप्शन हमें हम इस्तेमाल नहीं करनी, लेस देन की कर लेते हैं। लेस देन पर हमने क्लिक किया, 5000 है। उसके बाद हम इसको करते हैं यहाँ पर 3000, 3000 पर सिलेक्ट किया, 3000 ठीक है या नहीं यार, 3000 नहीं बनेगा, 318 बनेगा, 318 में हो ठीक है। इसको मैं करता हूँ यहाँ से करता हूँ येलो, और उसके बाद ये फॉर्मेट सेल डेट आर लेस देन, उन वाले सेल को फॉर्मेट करो जो लेस देन में करता हूँ। ओके तो यहाँ पे क्या सारे कम है? नहीं यार, ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इक्वल टू और लेस देन, और यहाँ पे 518 लिखा हुआ है, तो उन वाली सेल को फॉर्मेट करो जो सारी 518 से ज़्यादा है। क्यों? मैं करता हूँ यहाँ से 500, ये अब ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो जिन सेल के अंदर 500 से वैल्यू कम है वो सारे क्या हो रहे हैं? हाईलाइट हो रहे हैं। अगर इसको मैं 300 कर दूँ तो मैं यहाँ पे आता हूँ, सॉरी 300 ये हो गया, तो ये मेरे पास पाल ठीक है। अगर मैं इसको करता हूँ 250, तो ये 250 किया, तो यहाँ पर ये सामने आपके सामने। अगर मैं करता हूँ इसको 400, ये ठीक है, तो मैंने क्लिक किया ओके, तो ये देखिए हमारे पास कलर कम्बिनेशन आ गया है। मतलब इनका इस्तेमाल करने का मकसद बेटा क्या है कि आपको समझ आ जाता है कि आपके पास कौन सी वैल्यू हैं जो आपके पास इससे बड़ी हैं, कौन सी वैल्यू हैं इससे छोटी है, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग का सारा आपको इस्तेमाल यहाँ पर समझा चुका हूँ मैं। अच्छा अब इसके अंदर कुछ क्या है, जैसे हम वो बनाते हैं क्या फ़िल्टर लगाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर तमाम हेडिंग को सिलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल करता हूँ, जैसे मैं एल करूँगा तो इनके ऊपर क्या लग जाएगा? फ़िल्टर लग जाएगा। मैं कंट्रोल जी करता हूँ, सॉरी कंट्रोल जी किया, अब मैंने सिर्फ एक के ऊपर फ़िल्टर लगाना है, यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट में एल करूँगा, तो ये देखो सबके ऊपर लग गया कि नहीं लग गया। मुझे इसलिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट मुझे एल करना पड़ेगा। तो इस तरह किसी ए दोनों आपके सेल के ऊपर अप्लाई हो सकता है। अच्छा अब उसके बाद यहाँ पे ना कुछ एडवांस चीज़ें जो मैं आपको समझाने लगा हूँ, वो क्या है? जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ डेटा वाले मेन्यू में, मतलब पेज लेआउट वाला मेन्यू हमने कल कर लिया था, आज हम करते हैं यहाँ पे बेटा अभी तक हमारा ना इंसर्ट में चार्ट वाला मेन्यू भी रहता है, वैसे चार्ट के टॉपिक हमारा रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने चार्ट का वैल्यू यहाँ पे एडजस्ट करना हो तो चार्ट का किस तरह एडजस्ट किया जा रहा होता है बेटा, कि हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, ये मेरे पास आईडी है, या मैं नेम मेंशन कर देता हूँ, ये मेरे पास नेम है, और कंट्रोल का बटन दबाया, और उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे, और कंट्रोल का बटन दबाने के बाद ये मेरे पास क्या है जी, यहाँ पे मेरे पास सॉरी मुझे पहले इनको ड्रैग करना पड़ेगा, ये मैंने ड्रैग कर लिया, ये मेरे पास वैल्यू आ गई ठीक है। कंट्रोल का बटन दबा के आता हूँ, अब मैं आता हूँ पीछे, और यहाँ पे आने के बाद ये नेम, मैंने दोनों को पहले मुझे नेम सेलेक्ट करने थे, मैंने नेम सेलेक्ट किए, उसके बाद आता हूँ कंट्रोल का बटन दबा के आता हूँ यहाँ पे, ये मैंने क्या कर लिया उनके ग्रैंड टोटल मैंने सेलेक्ट कर लिए, ये मैंने सेलेक्ट किए, और सेलेक्ट करने के बाद आऊँगा यहाँ पे फार्मूलाज के अंदर, और फार्मूलाज में यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई करूँगा। जैसे ही फार्मूला अप्लाई करूँगा तो ये देखिए मेरे पास एक बार चार्ट अप्लाई हो गया, यहाँ पे हर बंदे की आपको सैलरी नज़र आएगी। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास हर एक की वैल्यू आपको नज़र आ रही है, ये देखें। इसमें प्रॉब्लम ये आपको अगर गौर से देखें तो वो ये आ रही है, इसमें सिर्फ एक बंदे को शो कर रहा है, बाकी मेंबर्स जो हैं इसके अंदर शो नहीं हो रहे। अगर मैं आता हूँ इंसर्ट में और यहाँ पे स्टार्ट को करता हूँ डिलीट, ये मैंने डिलीट किया, और अब मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट किया इनको, और ये मैंने यहाँ तक इनको सेलेक्ट कर लिया। अब आता हूँ चार्ट पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ से मैंने चार्ट पे मेंशन कर दिया, तो ये मेरे पास चार्ट आ गया बेटा। अब यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है चार्ट एलिमेंट में, इस पर क्लिक करता हूँ, चार्ट टाइटल, चार्ट लेबल, इनकी ज़रूरत हमें नहीं है अभी। हम आते हैं यहाँ पर सेलेक्ट डाटा, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद आते हैं यहाँ पर, और ठीक है ये हमारे पास रो सारी आ गई हैं। हम दोबारा यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद आते हैं यहाँ पर सीरीज़ नेम क्या लिखेंगे, इसका हम लिखेंगे यहाँ पे आईडी लिखा, और उसके बाद आते हैं यहाँ पे, इस पर क्लिक किया, यहाँ से आते हैं ये हमारे पास, ये यहाँ से ऑप्शन है, मतलब ये हमने सारी सिलेक्ट कर ली, ये सिलेक्ट किया, और उसके बाद करते हैं ओके, और ओके करने के बाद देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा जी। ठीक है, हम फार्मूला यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, इसको मैं करता हूँ कैंसिल, और यहाँ पर क्या एडिट, नहीं इसका भी इस्तेमाल नहीं करूँगा मैं, मेरे पास यहाँ पे इनका इस्तेमाल नहीं हो रहा यार,
कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर, वो समझ में नहीं आ रही कि प्रॉब्लम क्या आ रही है इसके अंदर। अच्छा यार, चार्ट वाला टॉपिक अभी छोड़ देता हूँ मैं, उसके बाद यहाँ पे कुछ और चीज़ें थी जो आपको समझाने वाला था कि डाटा वाला, डाटे वाली बात, मतलब कि डाटा वाला मेन्यू है, इसके अंदर फ़िल्टर करना हमें यहाँ पे बड़े अच्छे से आ गया है, हम यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है कि हमारे पास क्या है, टेक्स्ट को कॉलम हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई टेक्स्ट जो है वो कॉलम के अंदर आ रहा है, या मैं आता हूँ स्टार्ट पे, और स्टार्ट में आने के बाद यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखो दो वर्ड लिखे ना मैंने, ये मैं आपको एक नई फाइल ओपन करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से फाइल कॉपी करता हूँ, ये मैंने किया कॉपी, और कंट्रोल सी किया, और कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ, और कंट्रोल वी कर लिया। अब देखें यहाँ पे क्लिक किया करता हूँ टेक्स्ट कॉलम, और यहाँ पे क्लिक किया और करता हूँ, और ये मतलब क्या है, डेमिटेड, ठीक है, फिक्स विड्थ नहीं, फिक्स विड्थ नहीं करनी, नेक्स्ट, और ये फिनिश किया और ये कर दिया फिनिश। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या चेंजिंग आती है। तो ये देखो बेटा यहाँ पे क्या हुआ कि एक सेकंड में दोबारा यहाँ पे क्लिक, और यहाँ से करना है फिक्स विड्थ, और यहाँ पे मैनेजर नेक्स्ट, और उसके अलावा हमारे पास करते हैं नेक्स्ट, और उसके अलावा क्या करते हैं यहाँ पास टेक्स्ट, ठीक है टेक्स्ट की फॉर्म में हो गया। और अब करते हैं यहाँ से फिनिश। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ MUHA मोहम्मद अली जना, ठीक है, ये मैंने मेंशन कर दिया। अब मैं सेल पे क्लिक करता हूँ, करता हूँ यहाँ पे क्लिक, और करने के बाद करता हूँ यहाँ से ठीक है, ये तीन कॉलम में आएगा, नेक्स्ट, और फिर नेक्स्ट, और ये फिनिश। ये देखो अब बात समझ में आई, मतलब मैं चाह रहा था कि जिस तरह यहाँ पे मेरे पास मशीन ऑपरेटर है, और यहाँ पे मशीन ऑपरेटर है तो यहाँ पे एक ही वर्ड है दो, तो इस तरह क्या करेगा, ये मशीन जहाँ पे मैंने स्पेस दी होगी वहाँ पे उस टेक्स्ट को तीन, जितने भी कॉल, जहाँ जितनी दफ़ा मैंने स्पेस दी होगी उतने ही कॉलम्स के अंदर क्या करेगा, वो कन्वर्ट कर देगा। ये बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई, उम्मीदें आ गई होगी। जैसे मैं दोबारा यहाँ सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखो यहाँ पर ये वाली ऑप्शन है, मतलब कि मैं कंट्रोल जी करके दिखा रहा हूँ, ये क्लिक किया तो ये कंट्रोल जी, ये देखो अब ये मोहम्मद अली जना एक ही सेल के अंदर लिखा हो। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा कॉलम टू टेक्स्ट, उसमें करता हूँ नेक्स्ट, और करता हूँ नेक्स्ट, और करता हूँ फिनिश, तो ये देखें ऑटोमेटिकली तीन सेल के अंदर हमारी वैल्यू जो है वो डिवाइड हो जाएगी। अच्छा जब उसके बाद क्या है, यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट डाटा। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मैं इन दो बंदों का डाटा क्या करता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से इनको सेलेक्ट करता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, और यहाँ पे आता हूँ कंट्रोल मैंने वी कर दिया जी, ये लो। अब क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ पे से अगर डुप्लीकेट डाटा डिलीट करना है तो मैं यहाँ से पूरी शीट को सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद आऊँगा यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट डाटा, तो मैं करता हूँ यहाँ से कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन, यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मुझे ये वाला करना होगा, करता हूँ रिमूव, तो यहाँ पे देखो तीन वैल्यूज़ थी जो हमारे पास रिमूव हो रही थी, हम करते हैं ओके, आईडी के अंदर थी, तो ये हमारे पास क्या होगी बेटा, वहाँ से तीन वैल्यू डिलीट हो गई हैं। अगर मैं करता हूँ कंट्रोल जी, सॉरी कंट्रोल जी किया, और अब मैं पूरे को सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने पूरी शीट सेलेक्ट की, और अब करता हूँ रिमूव डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पर आता हूँ, और यहाँ पर देखो अब सब एक के अंदर क्या है, अब आ रहा है, हम करते हैं सिलेक्ट ऑल, डन हो गया, ओके ओके, टू डुप्लीकेट वैल्यूज़ फाउंड एंड रिमूव 15 यूनिक वैल्यूज, ओके। तो यहाँ पे देखो हमारे पास टू वैल्यूज़ थी जो डुप्लीकेट थी, हमने उनको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया है, नहीं किया यार माजिद, नहीं सेम है अभी तक, यहाँ तक ये चार वैल्यूज़ हमारी, तो हम इस सबको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद आते हैं यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड में, तो हम यहाँ से सिर्फ यहाँ से सेलेक्ट अनसेलेक्ट ऑल, यहाँ पे सिर्फ नेम और आईडी पे क्लिक करते हैं और करते हैं ओके। तो यहाँ पे देखो चार तीन वैल्यूज़ थी जो हमारी डुप्लीकेट थी वो डिलीट हो गई, तो ये वाली वैल्यू हमारी सेलेक्ट नहीं थी इसलिए वो डिलीट नहीं हुई, मतलब ये ऑप्शन। मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, दोबारा करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से इन सबको सेलेक्ट किया और कंट्रोल का बटन दबाया, यहाँ से इन सबको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद मैंने रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज़ पर क्लिक किया, सेलेक्ट सही नहीं हुआ मेरा। अच्छा मैं यहाँ पर इन पर सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये मैंने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू, और सेलेक्ट ऑल में, ठीक है सेलेक्ट ऑल, यहाँ पे डन हो गया, और उसका करता हूँ ओके, तो नो डुप्लीकेट वैल्यू, वजह भाई मेरे पास इतने सारे डुप्लीकेट वैल्यू हैं। अच्छा 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 ठीक हो गया, तो हमने यहाँ पे इन दोनों को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये मैंने सेलेक्ट किया इन दोनों को, और यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे आईडी और नेम सेलेक्ट ओके, और यहाँ पे छह डुप्लीकेट वैल्यूज़ थी वो हमारी डिलीट हो गई। क्लियर हो गया बेटा, इस तरह हम डुप्लीकेट वैल्यूज़ को डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे डाटा वैलिडेशन, ये बड़ी कमाल की टूल है और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी होता है।
मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसका इस्तेमाल किस तरह होता है। फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद मैं कोई डाटा वैलिडेशन लगाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से कॉलम सेलेक्ट किया और आता हूँ डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक किया, ये मेरे पास क्या है डाटा वैलिडेशन पे क्लिक किया और करता हूँ ओके। अब ये कमाल इसलिए है कि अगर हमें पहले ही कंफर्म कर देना चाहिए कि हम इस सेल के अंदर या इस कॉलम के अंदर ये वाला डाटा इंसर्ट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे हम देखो, अगर मैं करता हूँ यहाँ पे क्लिक, होल नंबर या डेसिमल नंबर या लिस्ट या डेट या टाइम या कस्टम या कर दें कस्टम, कस्टम पे क्लिक किया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये फार्मूला भी इस्तेमाल नहीं हो रहा हमारे पास। हम यहाँ पे आते हैं, फॉर एग्जांपल हम करते हैं यहाँ पे होल नंबर। अब होल नंबर पे हमारे पास क्या है, मैक्सिमम नंबर कौन सा है हमारे पास, सबसे जो बड़ा मिनिमम नंबर कौन सा है वो हमारे पास है जी, कौन सा यहाँ पे तो मुझे ढूंढना पड़ेगा, मेरे ख्याल से 308 है। मैं 308 लिखने लगा हूँ, 308 लिखा, और उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम नंबर है वो कौन सा है जी, 1556 है जी, 1556 लिखा। और उसके बाद यहाँ पे लिखना इनपुट, मतलब अगर यूज़र इनके अलावा, इनके बिटवीन के अलावा कोई और वैल्यू अगर वो इंटर करता है तो मैंने इसको क्या मैसेज शो करवाना। मैं करता हूँ यहाँ पे रॉन्ग वैल्यू लिख लेता हूँ, यहाँ पे रॉन्ग वैल्यू पे क्लिक किया। और अगर आप यहाँ पे अलर्ट में आते हैं तो अलर्ट पे हमारे पास यहाँ पे वार्निंग वाली ऑप्शन भी है, वार्निंग इस तरह का साइन हमारे पास आएगा, और इन्फॉर्मेशन में हमारे इस तरह का साइन आएगा, और स्टॉप में इस तरह काम करते हैं। प्लीज़ हम यहाँ पे लिख लिख देते हैं, प्लीज़ इंसर्ट द करेक्ट वैल्यू, ठीक है। ये मैंने क्लिक किया, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, ये मैंने कॉपी किया कंट्रोल सी करके और मैंने यहाँ पे आकर इसको पेस्ट कर दिया, मेरी अपनी मर्जी है। मैं करता हूँ ओके, ये हो गया जी ओके। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ 5525, इंटर किया तो क्या उसने कहा, प्लीज़ देखो मुझे यहाँ पे दे दिया कि उसने क्या दिया मुझे, ये वैलिडेशन रूल अप्लाई हो गया कि इसके ऊपर मैं अपनी वैलिड के मतलब जो मैंने वैल्यू यहाँ पे इंटर की है उसके अलावा अगर कोई और वैल्यू इंटर करूँगा तो वो कहेगा रीट्राई, तो रीट्राई में देखो इसने कर दिया यहाँ पे। फाइनल में मैं आता हूँ यहाँ पर, जब तक उसको कैंसिल नहीं करेगा तब तक वो नई वैल्यू इंटर नहीं करेगा। क्लियर हो गया बेटा, तो ये होता है मैं 5000 साली लिखने लगा, देखा उसने बता दिया कि ये हमारी वैलिडेशन में ये वैल्यू है ही नहीं, हमारी वैलिडेशन में जो वैल्यू थी वो सिर्फ यही थी कि आप 308 से लेकर 1556 के दरमियान कोई भी वैल्यू, से मैं यहाँ लिखता हूँ 1200 लिखता हूँ, 1200 लिखा कोई वैलिडेशन नहीं है, कितना लिखा 850 लिखा कोई वैलिडेशन नहीं है, 350 लिखा कोई वैलिडेशन, लेकिन अगर मैं 200 से लिखता हूँ तो मेरे पास वैलिडेशन आ गई क्योंकि मैंने 308 मिनिमम वैल्यू बताई थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब तक इसको मैं रिमूव नहीं करूँगा तब तक उसको कैंसिल नहीं करेगा। और अब इसको इस पर सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आता हूँ, ये मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है, अगर मैं आता हूँ सेटिंग में और यहाँ पे करता हूँ ये, ठीक है, मैं आता हूँ इनपुट एरर में, लेकिन यहाँ पे करता हूँ वार्निंग, सिर्फ वार्निंग का ऑप्शन इस्तेमाल करने लगा हूँ ओके। अब उसके बाद करता हूँ यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5000, इंटर किया मुझे वार्निंग देगा, ठीक है। अब मैं करता हूँ ओके, यस इंटर कर लो यार, मतलब वार्निंग में सिर्फ मुझे क्या करेगा वो इंटर देगा, वार्निंग के ऑप्शन देगा कि भाई ये क्रूट नहीं है लेकिन आप करना चाहते हो कर लो, ठीक है। अब मैं इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे वैलिडेशन में आता हूँ कि मतलब वो वैली वैल्यू बताओ जो इनवैलिड है, जैसे मैं इन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या कोई वैल्यू सिलेक्ट हुई है, कोई नहीं सिलेक्ट हुई। ये देखें, ये इतनी सारी वैल्यू उस बंदे ने बता दी कि करेक्ट है, अनकरेक्ट है, करेक्ट है। मेरे ख्याल से तो सिर्फ दो वैल्यू करेक्ट होनी चाहिए क्योंकि सॉरी हमने दो वैलिडेशन रूल इसके ऊपर अप्लाई किए हुए हैं, इसलिए वो यहाँ पे हमारे पास ये वाली ऑप्शन दे रहा है। मतलब अगर मैं एक वैलिडेशन ऊपर रूल अप्लाई करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको सेलेक्ट किया, वैलिडेशन रूल में आता हूँ और यहाँ पे क्लिक किया, पहले मुझे वैलिडेशन रिमूव करना पड़ेगा। मैं आता हूँ कहाँ पे है जी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं है वैलिडेशन रूल, इस पर सेलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लियर वैलिडेशन सर्कल पे क्लिक कर दिया, लेकिन वैलिडेशन हमारे पास यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे वार्निंग है, ये वाली ऑप्शन थी हमारे पास सेटिंग, सेटिंग पे क्लिक कर लिया था हमने 308 और 56, ठीक है, होल नंबर, ठीक है, अप्लाई टू सेलेक्टेड, उसके बाद करते हैं ओके, ये हो गया। और उसके बाद करते हैं इस पर सेलेक्ट, ये मैंने इस पर क्लिक किया और करता हूँ सर्कल इनवैलिड नंबर डाटा, तो अब देखते हैं हमारे पास कौन सा डाटा है जो इनवैलिड है। क्यों यार, ये सिर्फ मोबाइल अलाउंस और ये वाला डाटा इनवैलिड है, बाकी तो सारा वैलिड है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 200-250 लिखता हूँ, इंटर किया और करता हूँ येस, और ये लो इस पर तो वैलिडेशन नहीं है, इस पर ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1250, इंटर किया तो कोई मेंशन नहीं है। अब मैं इन सबको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे क्लिक करने के बाद करता हूँ इन क्लियर कर लेता हूँ पहले, उसके बाद दोबारा यहाँ पे क्लिक किया और करता हूँ यहाँ पे। अब देखते हैं किसको वैलिड करता है वो। अभी भी सबको वैलिड कर रहा है, वजह इसकी वजह मुझे समझ में नहीं आ रही कि इसकी वजह क्या है। डेसिमल पे क्लिक करते हैं और पहले करते हैं क्लियर, ओके हो गया, क्लियर हो गया जी। पहली बात तो ये हमारे पास समझ में आ गया, मतलब मैंने वैलिडेशन जो है रूल वो क्लियर की है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और भाई इन पे यहाँ पे एक क्लियर वैलिडेशन रूल, ठीक है। उसके बाद मैंने इनको सेलेक्ट किया, ये मैंने सेलेक्ट किया है, और ये सेलेक्ट करने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पर वैलिडेशन में, वैलिडेशन यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर एनी वैल्यू नहीं, यहाँ पर मैं करता हूँ लिस्ट। लिस्ट के लिए मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ स्टार्ट में और यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बना रखी है, ये वाली लिस्ट है, ठीक है। पूरे कॉलम को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने आता हूँ यहाँ पे वैलिडेशन पे क्लिक करता हूँ और करता हूँ डाटा वैलिडेशन। उस बाद आता हूँ यहाँ पे कौन सी ऑप्शन थी मेरे पास, यहाँ पे मैंने किया लिस्ट पे क्लिक, लिस्ट पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे मुझे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं, सोर्स मेरे पास पहले मैंने पकड़ लिया है तो ये मेरे पास सारा सोर्स मौजूद है। उसके बाद करता हूँ ओके और करता हूँ, अगर इसके अलावा कोई और वैल्यू इंटर करता है तो गलत करता है। प्लीज़ वार्निंग, ठीक है स्टॉप। और उसके बाद आता हूँ यहाँ पे इनपुट अलर्ट में, यहाँ पे करता हूँ, ये मेरे पास ऑप्शन है स्टॉप नहीं वार्निंग दूंगा, इन्फॉर्मेशन में दे सकता हूँ यहाँ पे प्लीज़ एंटर द करेक्ट वैल्यू। तो यहाँ पे अब हम जो मर्जी अपनी मैं करता हूँ ओके, ओके कर मैं, ये हो गया जी। अब देखिए यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे स्टॉप वार्निंग वाला ऑप्शन मुझे नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 500 तो उसने वैल्यू एंटर कर ली, लेकिन मुझे यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है क्या स्टॉप वार्निंग। देखो ये हमारे पास हर एक फ़िल्टर नज़र आ रहा है आपको, ये देखें अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे ये फ़िल्टर नज़र आएगा, ये देखो आपके सामने है बेटा। तो इस तरह होता है कि स्टॉप वार्निंग मतलब लिस्ट में से अगर आपने कहीं पे भी कोई भी जो है वो फ़िल्टर करना हो तो हम यहाँ से इसको अप्लाई कर, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो हमें शो नहीं होगा, क्लियर हो गया। तो इस तरह यहाँ पे होता है इसका इस्तेमाल बेटा। अब उसके अलावा आता हूँ यहाँ पे और भी बड़ा इस्तेमाल है वैलिडेशन का, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है बेटा। इंसर्ट में आता हूँ, यहाँ पर करता हूँ क्लियर ऑल, उसके बाद हो गया। उसके बाद आता हूँ यहाँ पे डेसिमल की ऑप्शन भी है, डेट और टाइम की ऑप्शन भी है, टेक्स्ट लेंथ की। फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ यहाँ पे पूरे टेक्स्ट लेंथ पे क्लिक करता हूँ और टेक्स्ट लेंथ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बताता हूँ कि टेक्स्ट की लेंथ जो है वो मिनिमम होनी चाहिए कितनी, 6 और मैक्सिमम होनी चाहिए कितनी, 15। और मैं करता हूँ ओके, यहाँ पे इनपुट में कोई मैसेज करना कुछ भी, यहाँ पे लिख लेते हैं जी एरर एरर। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं जी, यहाँ पे कर लेते हैं जी रॉन्ग वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद स्टॉप के बाद उसको करते हैं ओके, और ओके करने के बाद हमने कौन सी सिलेक्ट किया था, हमने सिलेक्ट तो कुछ किया ही नहीं, कोई हाल नहीं मेरा, ये मैंने सिलेक्ट किया पूरे कॉलम को। और उसके बाद अब आता हूँ यहाँ पे क्लिक और करता हूँ ये वाली फॉर्म, और ये मैंने इस पर कर दिया ओके। तो अब उसके बाद फॉर एग्जांपल नहीं यार, मैं दोबारा अप्लाई करता हूँ, कोई हाल है मेरा। अच्छा जी मैं यहाँ पर आता हूँ वैलिडेशन पे और करता हूँ यहाँ पे क्लियर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मुझे लिखना है टेक्स्ट लेंथ मिनिमम कितनी है, मैंने लिख लेनी है जी 5 या 4 कर लेता हूँ, मिनिमम 4 है जी, और मैक्सिमम कितनी है जी, मैंने मैक्सिमम होनी चाहिए हमारी 8 या 7 कर लेते हैं, 8 कर लेते हैं, 7 कर लेते हैं, 7 किया। और उसके बाद करता हूँ यहाँ पे इनपुट में मैंने करना इन रॉन्ग एरर। और उसके बाद आता हूँ यहाँ पे अलर्ट में, अलर्ट में मैं इस्तेमाल करता हूँ जी प्लीज़ इंसर्ट द करेक्ट वैल्यू। उसके बाद करता हूँ यही मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ ओके करता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई वैल्यू लिखता हूँ, जैसे मैंने नाम लिखा अली, ALI लिखा, इंटर किया, तो उसने क्या कह दिया, ये आपके वैलिडेशन रूल के मुताबिक नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर द रिट्रायल। जब तक मैं इसको मतलब कैंसिल नहीं करूँगा तब तक यहाँ पर नई वैलिडेशन अप्लाई नहीं होगी। अगर मैं इसके अंदर फाइल लिखता हूँ अली रज़ा, तब तक कोई वैलिडेशन नहीं है, क्यों? ठीक है, कितने वर्ड हो गए हमारे, 3 और 3 6 और 1 7 वर्ड हो गए,
तो हम यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका ये ख़त्म किया, मैंने लिखा ASIM आसिम, ये लिखा है आसमा, तो ये ठीक है। ASIMAMA ये क्लिक किया तब भी ठीक है। ASIMMAA फिर है, अब गलत है क्योंकि अब उसके मुताबिक कितने वर्ड हो गए, दो और दो चार और तीन सात और एक आठ वर्ड हो गए। तो मतलब हम सात वर्ड लिख सकते हैं, कम से कम चार, मतलब चार से छोटे वर्ड नहीं लिख सकते और चार से सात से आठ से छोटे वर्ड, सॉरी चार से बड़े वर्ड लिखने पड़ेंगे हमें, चार से छोटा नहीं लिख सकते और आठ से छोटे लिखने पड़ेंगे, आठ से मतलब सात से बड़ा नहीं लिख सकते बेटा, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास यहाँ पे ये वैलिडेशन अप्लाई करना, तो हम इस तरह डेटा वैलिडेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, इसका बहुत इस्तेमाल होता है। अब उसके बाद यहाँ पे कौन सी है जी, ठीक है, ये समराइज के इस्तेमाल में भी आपको नहीं समझा हमको इस्तेमाल होगा, मैंने डाटा मॉडल इस्तेमाल नहीं करवा रहा अभी। उसके बाद यहाँ पे अनग्रुप और ग्रुप वाली ऑप्शन है, ये मैं आपको समझा देता हूँ बेटा। यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट किया और ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको मैंने बना लिया ग्रुप, तो ये बन गया ग्रुप। और इसको मैं करता हूँ माइनस, तो ये देखिए मेरे पास माइनस हो गया। उसके बाद क्या करना है, मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने बना लिया ग्रुप, और ग्रुप बनाने के बाद इसको मैंने सॉरी सॉरी कॉलम्स, ओके, तो ये हो गया, इसको मैंने कर दिया यहाँ से माइनस। तो इस तरह अगर मैं प्लस के साइन पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे जो है माइनस, ये दोबारा प्लस के साइन पर क्लिक किया तो ये देखें, इस तरह हम डिफरेंट रोज़ और कॉलम्स को ग्रुप और अनग्रुप कर सकते हैं। अनग्रुप करेंगे तो ये अनग्रुप हो गया भाई, कॉलम्स को करना है कॉलम्स को हो गया, दोबारा अनग्रुप करना है सॉरी ग्रुप नहीं अनग्रुप करना है, यहाँ पे क्लिक किया और रोज़ और कॉलम्स को कॉलम्स करना है, ओके। तो यहाँ पे देखो जी हमारे पास, उस बाद हमारे पास यहाँ पे कौन से ऑप्शन है जी, क्विक क्लिक कैलकुलेट रोज़ और कॉलम, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास देखते हैं जी यहाँ पे क्या है टोटल हमारे पास कितनी, ये देखो हमारे पास इतनी रोज़ हैं जो हमारे पास यहाँ पर ऐड हो रही है, मैं करता हूँ ओके, तो यहाँ पर ये आपके सामने नज़र आ गया। तो देखो यहाँ पर इसको माइनस करते हैं, ये देखें ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो इस तरह हमारी वैल्यूज़ जो है वो हमें शो करवा रहा है। ये देखो यहाँ पे जी सी सी टोटल लिखा हुआ यहाँ पे, ये देखो आपके सामने नज़र आ रहा है, तो अगर हम इसका टोटल जाकर देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें, क्लियर हो गया बच्चों। तो इस तरह हम इसका सब सब टोटल का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मैं करता हूँ रिमूव ऑल और करता हूँ ओके, तो ये सारा रिमूव ऑल हो गया। तो हमारा ये आउटलाइन वाला टॉपिक हमारा हो गया है, और इसके डाटा वैलिडेशन वाला हमारा हो गया, टेक्स्ट टू कॉलम वाला हमारा हो गया है, रिमूव डुप्लीकेट वाला टॉपिक हमारा हो गया है, फिल्टर वाला टॉपिक हमने बड़ा अच्छे से कर लिया है, और उसके अलावा हमारे पास क्या हुआ है बेटा, अभी तक सिर्फ यही टॉपिक हुआ है, और साथ में हमने जो है सैलरी शीट बनाना सीखी है, ठीक है। तो आज के टॉपिक के लिए बेटा इतना काफ़ी है, कल इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा स्टॉक इन्वेंट्री रिपोर्ट बनाना सीखेंगे कल के टॉपिक के अंदर, ठीक है। और कल इंशाल्लाह हम हमारे पास फार्मूलेज वाले मेन्यू में से कोई यहाँ से ये वाले टूल्स भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना काफ़ी है, दुआओं में याद रखिएगा बेटा, अल्लाह हाफिज़।